कल हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन किन वस्तुओं को बोला जाता है, और संसाधन कोई वस्तु हमारे लिए कब बनती है, और किन किन पदार्थों को हम संसाधन बोल सकते हैं, क्या सभी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन हो सकती हैं। आइए आज के लेसन में हम जानते हैं कि संसाधनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। संसाधन तीन प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक प्राकृतिक संसाधन, नंबर दो मानवीय संसाधन, नंबर तीन मानव संसाधन। संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं? तीन। नंबर एक प्राकृतिक संसाधन, नंबर दो मानवीय संसाधन, नंबर तीन मानव संसाधन। आइए हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में विस्तार से जानते हैं। वे संसाधन जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका प्रयोग हम ज्यों का त्यों कर सकते हैं या फिर उनमें कुछ फेरबदल करके उनका प्रयोग कर सकते हैं, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि वायु किसी मानव ने नहीं बनाई है, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, यह हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। जल यह भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, मृदा यह भी प्रकृति से प्राप्त होती है, और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण ये सभी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? हम इन चीजों को प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। नंबर दो मानवीय संसाधन, अपनी आवश्यकताओं या जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं या पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं जो मानव ने खुद निर्मित किए हैं, मतलब कि जिन वस्तुओं का निर्माण मानव ने खुद किया है वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन्स, पंखे, वीडियो कैमरा, चेयर, हमारा ब्लैकबोर्ड, पेन, पेंसिल, ये सभी चीजें क्या है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव ने खुद निर्मित किए हैं। तो ये चीजें क्या बन गई हमारे लिए? एक मानवीय संसाधन। नंबर तीन मानव संसाधन, वास्तव में मानव स्वयं ही एक संसाधन है। अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव ने विभिन्न प्रकार की खोजें और आविष्कार किए हैं। आजकल हम जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं वे इन्हीं आविष्कारों और खोजों का ही परिणाम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में मानव स्वयं ही एक संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि संसाधनों के प्रकार कैसे होते हैं, संसाधनों के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। आज हमने संसाधनों के तीन प्रकार के बारे में जाना है, नंबर एक प्राकृतिक संसाधन, नंबर दो मानवीय संसाधन, नंबर तीन मानव संसाधन। तो आशा करता हूँ कि आज का ये लेसन, आज का ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और मैं आशा ये भी करता हूँ आपसे कि आप जो मैंने पढ़ाया है उस पर अच्छी तरह से अमल करेंगे, इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।